देखिए 2024 लोकसभा चुनाव और जो सेकंड फेज की वोटिंग है 26 अप्रैल को होनी है, मतलब महज 4 दिन के आसपास दिन बाकी रह गए हैं। और जिस रफ्तार से प्रचार अभियान आगे बढ़ रहा है, नेता एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। प्रचार के चढ़ते पारे के बीच प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान पर सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी ने कल राजस्थान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया और कहा कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने कहा था देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके उनको बांट देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। कांग्रेस मां बहनों का सोना लेकर घुसपैठियों को बांटना चाहती है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। तो ये तो मंगलसूत्र मुसलमान, मतलब 24 चुनाव में एक नया सियासी घमासान छिड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद सियासी पारा जाहिर सी बात है हाई होना ही था। कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं। ये आपकी इस हल्की मानसिकता में ये शब्द होते हैं, इस तरह के जो बंटवारे की बात होती है वो आपके दिमाग में होती है, आपके जहन में होती है, हमारे न मैनिफेस्टो में है, न हमारे संविधान में है, न हमारे दिमाग में है, न इस समाज में है, सिर्फ और सिर्फ आपकी हल्की मानसिकता में है और कहीं नहीं है। इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। सर जानते हैं नीरज पांडे से, ये तो चुनाव एकदम से जो कहा जा रहा था ठंडा है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, गर्माता हुआ सा नजर आ रहा है नीरज इस पूरे मामले के बाद। रुमाना, अभी तो ये पहला फेज का चुनाव कंप्लीट हुआ है, दूसरा फेज आते आते आपने देखा कि इस देश का माहौल कितना गर्मा गया है। अभी तो 6 फेज बाकी रह गए हैं, 6 फेज में बहुत सारी बातें होनी है, बहुत सारे मुद्दे आने हैं। दरअसल चुनाव बिल्कुल सीधे तौर पर वर्टिकल डिवीज़न का है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक जो बहुसंख्यक समाज है, एक बहुसंख्यक वोट बैंक है, उसको कैसे भी किसी भी तरह से अपने साथ लाया जाए और उसके लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस के उन वीक पॉइंट्स पर हमला किया जाए जिसके लिए कांग्रेस को पिछले 2 चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी ने मंच से ऐसी बातें कही हैं जो कि कांग्रेस को सीधे चोट पहुंचाती है और भारतीय जनता पार्टी का जो एक लार्ज वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल और कहीं ना कहीं एक जोश भी आता है ना, और उससे जो वोटर टर्नआउट है वो भी शायद बढ़े आने वाले समय में, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा है कि साहब मतदाता में उस रूप में उत्साह नहीं है जिसकी गवाही वो 102 सीटों के लिए जो पहले चरण की वोटिंग हुई थी 2019 के मुकाबले इन सीटों पर वोट परसेंटेज इस बार कम रहा है। ABP News आपको रखे आगे।